नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मकर संक्रांति 14 जनवरी या 15 जनवरी कब पड़ेगा, तो चलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको ऐसे उपाय बताएंगे जिसे करने मात्र से ही माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और इससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों पहले हम बात करते हैं कि मकर संक्रांति मनाया क्यों जाता है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार इस दिन सूर्य अपनी कक्षा में परिवर्तन करके दक्षिण आयन से उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। जिस राशि में सूर्य का कक्ष परिवर्तन होता है उसे संक्रांति कहा जाता है। इसके बाद से दिन बड़ा और रात्रि की अवधि कम हो जाती है। इस बार व्याप्तिपात योग शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि सतभिषा नक्षत्र में सोमवार को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण की अवधि को देवताओं का दिन तथा दक्षिणायन की अवधि को देवताओं का रात कहा जाता है। दोस्तों आज बात करते हैं कि मकर संक्रांति कब मनाया जाएगा। इस साल भी मकर संक्रांति दोस्तों 15 जनवरी को मनाया जाएगा। इससे पूर्व 2022 और 2023 में मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाया गया था। मिथिला पंचांग के अनुसार 15 जनवरी को सुबह 8:30 में और काशी पंचांग के अनुसार प्रातः काल 8:42 पर सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसीलिए दोस्तों 15 जनवरी को 8:42 पर मकर संक्रांति का जो शुभ मुहूर्त है वह स्टार्ट होता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि मकर संक्रांति पर स्नान करने के बाद दान का क्या विशेष महत्व है, जिससे माँ लक्ष्मी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगी। दोस्तों ये तो आपको पता है कि धन धान वस्त्र जितने भी चीजें हैं इन सभी के लिए माँ लक्ष्मी की उपासना और पूजा पाठ किया जाता है। इसलिए दोस्तों माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए आपको मैं बता दूं कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान और दान का विशेष